नीचे मार रख, नीचे मार रख। नीचे रखने का ऑप्शन नहीं है, हिम्मत करने से सब हो जाता है, कुछ भारी नहीं है, रख चल। हेलो दोस्तों, नमस्कार, पहला राम राम। आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सुबह का समय है और टाइम लगभग हो चुका है 9:30। तो भाई साहब, आज आ चुकी है एकदम चमचमाती हुई और तेज़ धूप। पिछले दो दिनों से तो छाया छाया थी क्योंकि बादल लगे हुए थे, लेकिन आज धूप आ चुकी है तो बारिश तो आनी है नहीं, बारिश का इंतजार ही रह गया इस साल। तो आज मौसम कुछ इस तरह का हुआ है, सामने से नैनीताल की पहाड़ियाँ साफ दिख रही है क्योंकि पहाड़ों में तो लगभग बारिश हो ही जा रही है, इसलिए वहाँ एकदम चमक आई हुई है और पहाड़ियों की चोटियों में बादल दिखाई दे रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद। और फिलहाल प्रियांशु और मैं जा रहे हैं लक्ष्मी और लल्लू के लिए पराल लेने। तो सामने हमारे वो उधर खेतों के पल्ले पार जो घर दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर धान कटाई हुई है। तो अभी कंपाइन लगी थी मशीन, धान वान काट के चले गई है वो, तो हरा हरा पराल है वहाँ पर बहुत सारा, तो लक्ष्मी के लिए लेके आएंगे। तो यहाँ पर प्रियांशु रेडी हो चुका है लेकिन मरे मन से आ रहा है क्योंकि इसका मन नहीं कर रहा आने को, कह रहा धूप लगी हुई है ये सो वो, लेकिन मैं इसको ज़बरदस्ती ले जा रहा हूँ। तो फिलहाल हम जा रहे हैं मेड़ू से, क्योंकि अगर रोड से जाएंगे तो काफ़ी लंबा पड़ेगा, तो मेड़ू से होते हुए जाएंगे। अरे ले आएंगे, टेंशन मत ले। तो थोड़ा सा रिस्क भी है मेड़ू से जाने में, घास हो रखा है तो पैर फिसल रहे। और धानों के खेतों के हाल देख सकते हैं, कितनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं और जो धान के पेड़ जैसे लगाए थे वैसे ही हैं क्योंकि पानी इनको मिल ही नहीं पा रहा बिल्कुल भी। तो इस तरह का हाल हो रखा है देख सकते हैं बारिश ना होने से। तो फिलहाल हम जा रहे हैं खेतों से होते हुए, लेकिन खेतों को देख के बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है इस तरह से सूखे हुए धानों के खेतों को देख कर। भयंकर ऐसा लग रहा है, पता नहीं रेगिस्तान में आ गए कहाँ आ गए, इतने खतरनाक दरारें पड़ी हुई है और ये बिल्कुल सूख गया, इसमें तो नमी भी ख़त्म हो गई है। तो प्रियांशु को बड़ी दिक्कत हो रही है आने में मेरे साथ, कह रहा है शाम को सोते साइकिल से ढोते ये सो वो। तो आजकल कई बच्चों को यही हुआ, बस साइकिल में ही जाना है, जहाँ भी जाना है बाइक में ही जाना है, पैदल तो चलना ही नहीं है। बेटा जब पैदल चलोगे हाथ पैरों में थोड़ा जान आएगी, है हर चीज़ साइकिल में ही थोड़ा होता है, जितना मेहनत करोगे उतना फौलाद बनोगे, ठीक है नहीं। काम करने और मेहनत से डरना नहीं है बिल्कुल। सोने को भी देखा नहीं, गहना बनने से पहले तपाया जाता है, टूटा जाता है उसको, तब जाके सुंदर सा गहना होता है। वैसे इंसान का भी है, जो जितना मेहनत करेगा जितना तपेगा वो उतना चमकेगा, इसलिए मेहनत से क्या डरना। तो यहाँ पर हुई है धानों की कटाई, ज़्यादा दूर है ये नदी की है देख। तो अभी धान की कटाई हो रखी है, तो ये धान काफ़ी पहले बो दिए थे तो इसलिए ये हो गए हैं और इनको काट दिया है, तो काफ़ी अच्छा हरा हरा पराल हुआ है। यहाँ पर ला पाया है, छोड़ूंगा तुझे मैं आज, पूरा मेहनत करवाऊंगा बेटे आज। हाँ एक गट्ठा नहीं 10 गट्ठे साधने हैं, टारगेट है। रोटी एकदम पानी की तरह भिगा भिगा के खाता है, कहाँ से आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी ना उसके लिए। इतना अच्छा पराल हो रहा है देख, एक गट्ठा तो मैंने पाँच दिया है, छोटा छोटा गट्ठा ही ले जाते हैं क्योंकि हरा है बट वजन भी होगा इसके साथ, कितना है ज़्यादा नहीं। मैं पाता हूँ प्रियांशु के लिए, इसकी तो आफत आई पड़ी है, वैसे कैसा होता है काम करने में। चलो तो प्रियांशु के लिए छोटा ही बांधता हूँ, हाँ अंदर को डाल दे। तो गट्ठे तैयार हो चुके हैं दोनों, ये प्रियांशु का छोटा सा और मेरा गट्ठा वो वहाँ पे है, चल उठा, उठाना पड़ेगा मुझे।
चल। अरे यार फूल जैसा तो गड्ढा है, तो मेरा कौन उठाएगा? तू तो चल पड़ा, चल फिर चल, मैं उठा लूंगा। तो मैंने भी रख लिया है सर में, तेरी काफी दिनों बाद सर पे रख रहा हूँ गड्ढा, तो अजीब सा लग रहा है। अगर काम करते रहो तो हैबिट बनी रहती है, कभी कभी करो तो थोड़ा दिक्कत होती है। फिलहाल तो रख ही लिया है। और प्रियांशु वो जा रहा, वो तो उसकी तो एकदम आफत आई हुई है, होता ही है बचपन में। तो हम भी जब छोटे थे तो ऐसी आफत आती थी हमारे भी, जब मम्मी पापा कुछ काम के लिए बोलते थे, लेकिन बच्चों को थोड़ा समझा बुझा कर लगाना पड़ता है काम में। मेड़ों में चलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि पतली पतली मेड़ें होती है, तो पैर कभी इधर फिसल जा रहा है तो कभी उधर फिसल जा रहा है। आफत आ गई रे, कैसे भाई कैसे आ जाएगी? मैं तो नहीं ला रहा कोई 10 घंटे। सुखाने डाल देते हैं, पहले धोते हैं लाते हैं। अंदर मत जा बेटा, बाहर आ जा, बाहर आ जा, अंदर नहीं। आ रहा है, चप्पल तो बदलने दो, पैर लग गया। वो वाला चप्पल, हाँ वो वाला चप्पल पहन। ऊपर का झाड़ू मार देना। अरे सब मार देंगे, तू उसकी टेंशन मत कर, तू इसकी टेंशन कर सिर्फ पराल की। एक गट्ठा का आधा, कोई बात नहीं बेटा, एक गट्ठा करके क्या होता है, एक गट्ठे से कुछ नहीं होता है। और प्रियांशु तो आना भी नहीं चाह रहा है, जबरदस्ती ले जा रहा हूँ उसको खदेड़ खदेड़ के, तो 10 बहाने बना रहा कभी कुछ कभी कुछ। चल चल, एक ही गट्ठे में पानी प्यास लग गई। चल बेटे चल, अरे हो गया, शेर बनना तुझे, शेर फौलाद। चल यहाँ लल्लू लक्ष्मी भी बेताब हैं, हरा हरा पराल खाने को। ये अमरुद तो दे दे यार बेचारों को, इनके आसपास पड़ा है देख। एला एला, इसके बाद भी लाएंगे। मौज करो, 10 गट्ठे लाने हैं ना, 5 चक्कर भाई अभी हो जाते हैं। अरे मिंटू में हो जाते हैं, नाना करके कुछ नहीं होता है, हाँ करके सब होता है। पहले एक गट्ठा ही हुआ फिर है नहीं, ना शब्द तो आना ही नहीं चाहिए अंदर, जिसके अंदर ना शब्द आ गया तो हर चीज़ उसके लिए नाना होती जाती है। सिर्फ हाँ इसको, इनको डाल दे, थोड़ा डाल दे, हाँ उधर को डाल दे। खा रहे नहीं खा रहे, देख कितने बेचैन हो रहे हैं बेचारे। ये देख हरा हरा पराल, मुँह कटेगा लेकिन अभी ज़्यादा आ रहा है। चल आ जा आ जा आ जा, अरे आ जा बेटे आ जा आ जा, मेरा बच्चा आ जा। तो एक चक्कर में 2 गट्ठे तो आ रहे हैं, तो लाओ फिर, मैं ला। अरे तो मैं भी तो ला रहा हूँ, मैं भी तेरे साथ हूँ, घबरा क्यों रहा है? तुझे अकेले लाने को थोड़ा कह रहा हूँ, है ना, ना नहीं होना चाहिए बिल्कुल, ना शब्द से मुझे सख्त नफरत है। सिर्फ हाँ, यस यस, ठीक है नहीं? देख रहा धान कैसे सूख रहे हैं, ये चिंता नहीं है तुझे क्या खाएगा भात? अरे कितनी परेशानी हो रही यार, है जब घी लगाता है रोटी में इतने बड़े चम्मच चम्मच से, तब कहते हैं थोड़ा लगा थोड़ा लगा, तब तो कोई मानता नहीं है तू, फिर उसके लिए चारा लाने में क्यों परेशानी हो रही है? तो 2 गट्ठे से कुछ नहीं होता है, 4 से भी कुछ नहीं होगा, कम से कम 10 गट्ठे का टारगेट है। हर चीज़ के लिए टारगेट फिक्स करना पड़ता है ना, तभी सफलता मिलती है। अगर मन जो कह रहा है, मन जो कह रहा है वैसा करेंगे तो फिर तो हो गया, दुनिया चल गई। जिस चीज़ में परेशानी हो रही है, कष्ट हो रहा है, तो वहीं पर कुछ भलाई है, वहीं पर कुछ अच्छा ही है, तो उस काम को करके ही दम लो, ठीक है नहीं? काम से जितना भागोगे उतना और दबाएगा। तो प्रियांशु को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा। एक गट्ठा कहा था, 2 गट्ठा कहा था, यही रोना रोने में लगा पड़ा है, लेकिन मैं इसे ढुलवा के ही रहूँगा। है बेटा, तू बेटा है तो मैं भी तेरा पापा हूँ, है नहीं? तू जिद्दी है तो मैं महाजिद्दी हूँ। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं 2रे चक्कर में, तो फटाफट से गट्ठे बनाते हैं और ले जाते हैं। चल रख तू, अब बना बना बना, कुछ भी नहीं हो रही है। यहाँ पर बिछा 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 बिछा, कमॉन कमॉन कमॉन, मैं आ गया ना, देख। आना तो पड़ेगा बेटा, देखता आना तो पड़ेगा। मम्मी नहीं आती यार, मम्मी नहीं आती है, वो वहाँ पर रख, वो देख वो रख बीच में रख, हाँ यहाँ पर। तो फिलहाल प्रियांशु रखेगा पराल उस पर, अरे अच्छी तरह बिछा उसको,
मैं बांधूंगा गट्ठा। भर भर भर, शाबाश, भर दे मेरे उसमें जितना भर सकता है। बीच में रख, बीच में। तो प्रियांशु का रख दिया गट्ठा बनाकर सर में, थोड़ा भारी हो गया आज समय। ले जा शाबाश, लास्ट चक्कर है, फिर नहीं आएंगे। नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। तो मैंने भी रख लिया है सर पे गट्ठा और चल पड़े हैं घर की ओर। मज़ा आ रहा है वैसे खेतों में चलने में। तो पहले तो कंधे में रख के ले गया मैं, और अब सर पर रख के ले जा रहा हूँ। कंधे में रख के थोड़ी दिक्कत हो रही है, फिर यहाँ चूँकि वहाँ आफत आ गई है। आवाज आवाज पहुँच गए, बस नीचे मर रख, नीचे मर रख। नीचे रखने का ऑप्शन नहीं है, मेरा भी भारी हो रहा है, मैं भी ला रहा हूँ। रख सर पर रख, अरे सर पर रख बेटा, हो जाएगा हो जाएगा, हिम्मत करने से सब हो जाता है। अरे रख ना, थोड़ा कष्ट सहन करना सीखो, कुछ भारी नहीं है। रख चल, अरे यार प्रियांशु का थोड़ा भारी हो गया गट्ठा, हिम्मत हार रहा लड़का। फिर से रख दिया है मैंने थोड़ा सपोर्ट करके। अच्छा मेरी भी आफत ही आ रही है आने को तो, लेकिन कोई नहीं। चल चल, शाबाश शाबाश, ऊपर ऊपर पहुंच गए। बस गिन के चार कदम है, चार भी नहीं, दो ही कदम है। शाबाश शाबाश, पहुंच गए। और फिर आपने रास्ते में फेंक दिया हमने, दो कदम तो और चलना था। तो प्रियांशु ने हिम्मत हार दी आखिर, वहाँ से तो ले आया मैं इसको, चलो उठाओ। तो प्रियांशु की आफत निकल चुकी है, बस बस रोना बाकी है इसका। बेटा अब तो शुरुआत है, लाइफ की शुरुआत हो रही है, अभी तो कैसे कैसे कष्ट झेलने पड़ेंगे। अरे वहाँ क्यों ले जा रही हूँ, यहीं रखो सुखाने, वहाँ कहाँ सूखेगा, वहाँ धूप भी आती है, सूख जाएगा वहाँ। चलो भैया माननी पड़ेगी तुम्हारी बात, हो जाएगा दो घट्टे से और लेके आए। और लेके आओ, अरे मना कर रहे हो, बड़े बड़े गट्ठे लेके आया हूँ। तो ये मेरा गट्ठा है, प्रियांशु तो बोल गया रास्ते में ही, ओ वहीं फेंक रहा था भूल के, वहाँ बड़ी मुश्किल से लेके आए। तो अरे ऐसी तो कैसी कैसी धूप लगेगी, ये तो कुछ भी धूप नहीं है। अगर ऐसी धूप से ऐसे काम से डर गए तो हो गया, कर लिया लाइफ में कुछ। इसको बंद कर, बंद कर कह रहा हूँ। तो अब जाके प्रियांशु के चेहरे पे मुस्कान आई, चल और चल चल लेने, चल है काम चोर गई के, काम करने से डरते हैं। हो गया बेटा, कुछ भी हो, जो आर्मी में जाते हैं उनके पता है कितने किलो का रखा जाता है, कम से कम 50 किलो उनके सर पर होता है। उसमें दौड़ लगाते हैं, हर चीज करते हैं, पूरा पीटी करते हैं। इंसान का मन मजबूत होना चाहिए, तन से कुछ नहीं होता है, शरीर से थोड़ा मजबूत होता है इंसान, मन से मजबूत होता है। हिम्मत कर ले तो इंसान कहाँ पर एवरेस्ट पर भी चढ़ जाता है। डरने वाले नीचे देख के बेहोश हो जाते हैं, डर जाते हैं। हाँ हाँ यार, कुछ नहीं होता है, पानी तो पिला दे। गर्मी तो हो ही रही है वैसे, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा खासा पसीना हो गया है। पानी तो दे दो, कहाँ गई, रखा होना और पिलाने में बहुत अंतर होता है। रखा तो पूरे संसार में भी है, लेकिन जब तक प्यासे तक ना पहुँचे क्या फ़ायदा रखे होने का। पंखा चला दे बेटे, थोड़ा अंदर आके तो और ज़बरदस्त उमस हो गई है। आराम से आराम से आराम से, बस 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 बस। तो गर्मी में कुछ भी काम करो तो प्यास जबरदस्त लग जाती है। लल्लू क्यों रो रहा हो, हेलो खाओ, तुम्हारे लिए लेके आए हैं।